देवास की जनता को प्रणाम। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर आया हूँ। कल जिस प्रकार से देवास विधायक जी ने राजघराने से एक जनता के नाम एक संदेश निकाला, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना काल के इस लंबे अंतराल में जिस प्रकार से देवास शहर के आम नागरिक व्यापारी जिस प्रकार से परेशान है, दुकानें शटरें बंद है और बिल चालू है, एक कृपया करके एक संदेश आप उनके लिए भी निकाल दें कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को आपको बिल नहीं भरना है और वो बिल सरकार भरेगी। आप एक संदेश ये भी निकाल दें कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का आपने 8 दिन में लगाने का एक जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जिस प्रकार से देवास की जनता को धोखे में रखकर आज 1 महीना हो गया, इसके लिए भी कोई संदेश निकाल दीजिए कि क्यों क्या कारण हुआ कि आज और इसकी नाकामी के पीछे का भी कारण बता दीजिए कि जिस प्रकार से नाकामी हुई सत्ता के लोगों से और सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा कि आज हजारों लोग हमारे देवास के मर गए जिनको हम शहीद कहेंगे आपकी गलतियों से, उसके लिए भी कोई संदेश निकाल दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय विधायक जी से, जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर आज विकास नगर रोड पर जो ब्रिज बन रहा है, इतना युद्ध स्तर पर तो कभी हमने देवास शहर के अंदर कभी कोई काम ही नहीं देखा। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या जल्दबाजी है कि जो आपका ध्यान उस ब्रिज की तरफ ज़्यादा है ना कि ऑक्सीजन प्लांट की तरफ है। आज जिस युद्ध स्तर पर आपने विकास नगर ब्रिज के लिए आप लोग लगे हैं, उस युद्ध स्तर पर अगर आज आप ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगते तो निश्चित तौर पर हम लोगों की जान बचा सकते हैं। आप एक आदेश ये भी निकालिए कि जिस प्रकार से कोरोना काल की तीसरी लहर चालू हो गई है, आज हमारे बच्चों के अंदर बच्चे हमारे चपेट में आने लगे हैं, तो उसके लिए भी कुछ आदेश या निर्देश दीजिए या उसके लिए भी कोई जनता में संदेश दीजिए कि आप कैसे बचा के रखेंगे उनको। आज लाशों का ढेर लग गया देवास में, उसके प्रति किसी की जवाबदारी नहीं है। ऑक्सीजन के प्लांट की बात करें, हम ऑक्सीजन की बात करें, जिस प्रकार से ऑक्सीजन आपने व्यवस्था कराए इसके लिए साधुवाद, लेकिन आप वो ऑक्सीजन निःशुल्क तक नहीं कर पाए, इसके लिए कोई संदेश दे दीजिए। ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग पाया कोई बात नहीं, और जिस प्रकार से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हम लोगों के पास दस्तावेज भी है, जहां अन्य क्षेत्र में जहां सरकारी सिलेंडर आते हैं उस गोडाउन से आपकी गाड़ियां भरा के आती है, इसके लिए आपको यहाँ संदेश जारी कीजिए कि ये सरकारी है या आपका है। और अगर आपका भी है तो आप तो यहाँ देवास की जनता ने आपको लोकतंत्र होते हुए राजतंत्र की भांति इतने वर्षों से राजा बना के रखा, तो आज इतना तो वो जनता हक मांगती है कि उनको सांसें फ्री दे दीजिए। आप एक संदेश इसका भी निकालना चाहिए आपको। साथ ही साथ जिस प्रकार से व्यापारी आज दुखी है, इन व्यापारियों के लिए आप नगर निगम जो आपके इशारों पर चलती है, उस नगर निगम के लिए कोई संदेश निकाल दीजिए कि अभी जब तक कोरोना काल है, जब तक आपके नगर निगम की कोई टीम या किसी प्रकार के फ़ोन टैक्स उगाई के लिए नहीं जाएंगे, लगातार जो आज नगर के अंदर हर एक घर टैक्स के लिए जो नगर निगम की तरफ से फ़ोन जा रहे हैं और टैक्स जमा करने के नहीं करने के उपरांत पेनल्टी लगाने की बात कही जा रही है, उसके लिए कोई संदेश या आदेश निकाल दीजिए। देवास मांग करता है आपसे, आप जिस प्रकार से कोरोना काल में जो सक्रियता आज पूरे मध्य प्रदेश में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, जो जो अपनी हैसियत के हिसाब से जिस प्रकार से जिससे जो बन पड़ रहा है, सब विधायक का और सांसद लगे हुए हैं, आपकी अच्छी बहुत बड़ी टीम है देवास शहर के अंदर, बहुत सालों से बहुत बड़ी टीम है। आप उस टीम के साथ जाकर एक बार जिला अस्पताल का दौरा तो कर लीजिए कि वहाँ पर परेशानी क्या है, वहाँ मरीज नीचे पड़े हैं, ऑफर पड़े हैं, उनको ऑक्सीजन मिल रही है, खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है। आपसे निवेदन है, एक जरा एक आदेश एक निर्देश आपकी टीम के साथ ये भी बनाइए कि आप अपने लोगों को लेकर एक बार सरकारी हॉस्पिटल में जाकर वहाँ स्थिति को देखें किस प्रकार से कोरोना काल में, अगर एक सीटी स्कैन कराने के लिए कोई मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव है और वो लाइन में खड़ा है, उसके दुख को एक बार देख लीजिए, वहाँ पानी की व्यवस्था है या नहीं है, उसके लिए कोई आदेश या उसके लिए कोई निर्देश निकाल दीजिए। आज राजनीतिक ऑनलाइन ऑफलाइन या सोशल मीडिया की राजनीतिक बहुत हो चुकी। मैं विधायक जी आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस देवास की जनता ने आपका सदैव साधुवाद किया, सदैव जय जयकार किए, इस देवास की जनता के साथ न्याय कीजिए, ये देवास की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जिस प्रकार से आज हर गली हर मोहल्ले में हर तीसरे घर एक मौत नाच रही है, इसके पीछे क्या है, क्या व्यवस्था है, हम क्या व्यवस्था कर पाए। अगर किसी ने बोला कि हम 8 दिन में ऑक्सीजन प्लांट लगा के देंगे, तो राजनीति के चलते, दुर्भावना के चलते उस ऑक्सीजन प्लांट को रोककर नहीं, हम 8 दिन में हम करके दे रहे हैं, शासन की तरफ से आ गया, कहाँ है वो ऑक्सीजन प्लांट, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। मैं एक देवास का नागरिक होने के नाते मैं अपने जनप्रतिनिधि से सवाल जवाब करने का अधिकार रखता हूँ और मैं अपने अधिकार का उपयोग करता हूँ, और उस अधिकार के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करता हूँ, देवास की जनता को दुखी मत कीजिए,
देवास की जनता बहुत त्रस्त हो गई है। पहले ही इंदौर और देवास में अति अंतर है, उसके बावजूद आप जो इंदौर की तर्ज पर बार बार लॉकडाउन ऊपर नीचे ये वो सब कर रहे हैं, ये गलत है। और विकासनगर का जो ब्रिज आप इतनी तेज़ी से बना रहे, इसके पीछे क्या बात है, इसकी में मंशा क्या है, इसके लिए भी आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।